किसी समझदार इंसान ने कहा है कि यार जितना खुश रहोगे ना उतने ज्यादा दिन जी जाओगे, तो यार आप सबसे पहले खुश होना चालू कर दो यदि आपको हेल्दी रहना है। और आजकल तो यार अच्छे दिन की फिराक में हम लगे हुए हैं, क्योंकि आ चुकी है मोदी सरकार। और जो मोबाइल वाली सरकार है, यहां तो यार उठा पटक मची हुई है, क्योंकि एक तरफ शाओमी भिड़ रहा है, दूसरी तरफ रियलमी भिड़ रहा है, और बीच में सैमसंग और एसुस भी घुसे हुए हैं। क्योंकि ये सारी कंपनी जब भिड़ते हैं ना, तो यार प्राइस बहुत अच्छा आता है। और आजकल तो यार आपको 14-15 हजार रुपए बहुत अच्छा फोन मिल जाता है, जिनका बजट है 14,000 रुपए। आज मैं आपको बहुत अच्छी न्यूज देने वाला हूं। यदि आप फ्लिपकार्ट जानते हैं, तब आपको बहुत अच्छी चीजें पता चल जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं खबर क्या है। यदि आपको चाहिए 14,000 रुपए में बहुत अच्छा फोन, तो आपके पास दो फोन सबसे लल्लन टॉप हैं। एक है Redmi का Note 7 Pro और साथ में Realme 3 Pro, और ये दोनों फोन आपको फ्लैश सेल में मिलते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यदि आपको चाहिए 14,000 वाला फोन Realme 3 Pro, अब आपको ये फ्लैश सेल में नहीं मिलने वाला। अब इसकी जो सेल होगी ना, वो बिल्कुल खुली दुकान हो चुकी है, वो भी फ्लिपकार्ट में। ये फोन अब अवेलेबल होगा 24/7, आप कभी भी ले सकते हैं, चाहे सुबह ले, चाहे शाम ले, चाहे दोपहर ले, चाहे अपनी बीवी के लिए ले, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले, चाहे अपने लिए ले ले, चाहे किसी और के लिए ले ले। मतलब अब ये फोन आपको हरदम मिलेगा 14,000 रुपए में। ये फोन बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस फोन में आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो इस फोन को बहुत अच्छा बना देती हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार अभी लॉन्च होने वाला है Realme X, क्या पता उस फोन का प्राइस हो 14,000 रुपए। तो मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं, जो Realme X आएगा ना, उस फोन का प्राइस 14,000 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उस फोन का जो प्राइस होगा वो होगा 17-18 हजार के आसपास। और जो Redmi का K20 आएगा, K20 Pro आएगा, उस फोन का प्राइस भी इतना नहीं होगा। सैमसंग का जो M40 आएगा, उस फोन का भी प्राइस इतना नहीं होगा। मतलब आगे आने वाले फोन हैं जहां पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इस फोन का जो प्राइस है 14,000 रुपए, उससे ज्यादा ही होने वाला है। अब मैं आपको कुछ ये चीजें क्लियर कर दूं, ये फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यहां पर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है, वो है 4045 mAh की बैटरी। यहां पर आपकी जो बैटरी है ना, वो पूरा का पूरा 2 दिन निकाल देगी, यदि आप मॉडरेट यूज करते हैं। और साथ में आपको बॉक्स के अंदर वो चार्जर मिल जाता है। और मुझे तो यार ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी लगी है। बस यार यहां पर टाइप सी पोर्ट मिल जाता तो यार मजा आ जाती, वो यहां पर नहीं मिलता है। यहां पर आपको परफॉर्मेंस के लिए जो प्रोसेसर मिलता है, वो भी बहुत अच्छा मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 710। यहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाती है। बस यहां पर आपको ग्लास की बिल्ड नहीं मिलती। यदि आपको पूरा का पूरा ग्लास वाला फोन चाहिए, तो यार आप जा सकते हैं Redmi के Note 7 Pro में। और यहां पर मुझे एक चीज और अच्छी लगी है, वो है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन। यहां पर आप 2 4G वाले सिम कार्ड भी डाल सकते हैं, आराम से मेमोरी कार्ड भी ढूंढ सकते हैं, 4 और 64 GB की इंटरनल मेमोरी तो आपको मिल ही जाती है। और यहां पर जो सेल्फी कैमरा है वो भी काफी अच्छा है, 25 MP का, और साथ में आप 64 MP वाली भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, वो भी यहां पर एक्सपर्ट मोड मिल जाता है, सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी 960 FPS में, और यहां पर आपको टाइम लैप्स भी मिल जाता है। जो सॉफ्टवेयर है वो भी एंड्रॉइड क्यू वाला है। मेरे हिसाब से 14,000 रुपए में रियलमी का ये जो 3 Pro है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जितना कंपटीशन बढ़ेगा, उतने सस्ते फोन हो जाएंगे। क्या पता आगे आने वाले टाइम में ये फोन में आपको कुछ और ऑफर मिल जाए और इस फोन का जो प्राइस है और घट जाए। वैसे मैं तो इतना कहूंगा, अभी के लिए यदि आपको फोन चाहिए तो आप इस फोन को ले सकते हैं, और कहीं फ्लिपकार्ट में बैंक की तरफ से कोई ऑफर मिल जाए और ये फोन और भी सस्ता हो जाए, तब और ज्यादा मजा आ जाएगी। और आगे जो भी सेल आएगी फ्लिपकार्ट या अमेज़न की तरफ से, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, तो यार एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में यदि आपका मन करता है ऐसे वीडियो बार बार देखने का, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर दोगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।